नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे करवा चौथ स्पेशल कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज का ये जो शो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ करवा चौथ के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि आज के एपिसोड में है आपके लिए आपके हस्बैंड्स के प्यारे प्यारे वीडियो मैसेजेस, जिसमें आपके पति कर रहे हैं आपको थैंक्स। और क्या क्या कह रहे हैं आपके हस्बैंड्स आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत के बारे में। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने के कारण माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग के लिए करती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, शास्त्र अनुसार कहा जाता है कि जब पांडव वन भटक रहे थे, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इस दिव्य व्रत के बारे में बताया था। इसी व्रत के प्रताप से द्रौपदी ने अपने सुहाग की लंबी उम्र का वरदान प्राप्त किया था। हिंदू धर्म में करवा चौथ बड़े त्योहारों में से एक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने पति की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व है। ये पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाने और एक दूसरे को उनके महत्व को समझने का भी मौका माना जाता है। पति की लंबी आयु के लिए 16 श्रृंगार कर चंद्रदेव और करवे की पूजा की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि करवा चौथ कब मनाते हैं? तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि ये चौथे दिन मनाया जाता है, अर्थात करवा चौथ हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे मनाएं करवा चौथ का व्रत। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन निर्जला रहते हुए व्रत रखती हैं। कई जगह कुंवारी लड़कियां भी अच्छा पति पाने के लिए व्रत रखती हैं। व्रत शुरू होने से पहले सास के हाथों से सरगी ली जाती है, जिसके बाद इस व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद रात के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है और व्रती महिलाएं पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के दिन पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन माता करवा का पूजन किया जाता है। ध्यान रहे कि माता करवा ही आपके व्रत का फल देती हैं, यानी आपके पति की आयु बढ़ाती हैं। तो आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की विधि, जिससे कि हम रख पाए ये व्रत पूरे विधि विधान से। करवा चौथ की खास पूजा शाम को चंद्रोदय होने के बाद की जाती है। पूजा और व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दोपहर में पूजन की तैयारी करें। वैसे तो आजकल प्रिंट किए हुए कैलेंडर्स आते हैं, लेकिन अगर आपके पास वह कैलेंडर्स नहीं है तो आप अपनी दीवार पर रोली से या फिर गेरू से फलक बना सकते हैं। फिर चावल को पीस कर इसके फलक पर करवा का चित्र बना सकते हैं। इसके बाद इस रीत को करवा धरना कहा जाता है। शाम को फलक वाले स्थान पर या यदि आपने कैलेंडर लगाया है तो उस स्थान पर जमीन पर चौक लगाएं और माता पार्वती और शिव की कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखें जिसमें भगवान गणेश माता पार्वती की गोद में बैठे हों। आप पूजन की थाली सजाएं और थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली तथा चावल की बनी मिठाई या फिर कोई सफेद मिठाई रखें। इसके बाद कोरे करवे में जल भरकर पूजा में रखें और माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद माँ पार्वती, भगवान गणेश और शिव के साथ चंद्रदेव की आराधना करें। फिर करवा चौथ व्रत कथा सुने या फिर पढ़ें। उसके बाद चंद्रमा के निकलने पर छलनी से चंद्रमा को देखें या फिर जल में भी चंद्रमा की छाया को देखा जा सकता है। फिर चंद्रमा की पूजा करें और उनको अर्घ्य दें। उसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर या फिर कोई निवाला खाकर आप अपना व्रत संपन्न कर सकते हैं। फिर अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसी के साथ कई जगहों पर व्रत थोड़े अलग ढंग से भी मनाया जाता है। जहाँ करवा चौथ के दिन सूर्योदय के पूर्व ही सरगी
यानी कि सास ससुर द्वारा दिए गए अल्पाहार करने के उपरांत अपहरण तक निर्जल व्रत रखने का नियम है। अपहरण 4 बजे से 5 बजे के मध्य अपनी सास जेठानी अथवा अन्य किसी पूज्य महिला से कहानी सुने। कथा सुनते समय एक पटरे या फिर चौकी पर जल से भरा हुआ लोटा और थाली में रोली, गेहूं, चावल से भरा हुआ मिट्टी का करवा ढक्कन सहित रखें। कहानी सुनने के पश्चात सबसे पहले एक करवे को अपनी सास को दे दें। इसके बाद रोली व साथियां लगे हुए खांड के 13वें करवे सुहागिन महिलाओं को बायने में देने चाहिए और सुहागिनों से ही लेने चाहिए। इसके बाद लोटे का जल और 13 दाने गेहूं के चंद्रमा को अर्घ देने के लिए अलग रखें। इसके बाद रात्रि में जब चंद्रमा निकल आए तब चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के हाथ से निवाला ग्रहण करें या फिर जल ग्रहण करके अपना व्रत संपन्न करें। करवा चौथ का मौका हो और बाजारों में रौनक ना हो, ये कैसे संभव है? तो चलिए लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं बाजारों में कैसी है बाहर करवा चौथ की रौनक। करवा चौथ पर बाजारों में रौनक दिखाई दी, हर ओर दुकानें सजी हुई दिखाई दी। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं बाजारों की रौनक आपको दिखाने के लिए दिल्ली के फेमस, नोएडा के फेमस अट्टा मार्केट में। यहाँ पर हैं बहुत सारी महिलाएं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं करवा चौथ के लिए। मेहंदी लगाती हुई दिख रही हैं, अपने पति के लिए अपनी भावनाएं बताती हुई दिख रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं बाज़ार बहुत खूबसूरत सजा हुआ है। आइए आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं बाज़ार में क्या रौनक है। इसके साथ ही महिलाओं का हुजूम मेहंदी लगाने के लिए उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर मेहंदी लगाने के लिए मार्केट में आईं। इसके साथ ही महिलाओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मुझे त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, पति के लिए व्रत रखते हैं। करवा चौथ का व्रत रखना है कल और ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इसमें सभी को पूजा करनी होती है जो शादीशुदा होती है। मैंने 10 साल से व्रत रख रही हूँ। काफ़ी अच्छे से तैयारियाँ होती हैं, शॉपिंग तो महीना भर पहले ही हो जाती हैं। अभी देखिए हम मेहंदी लगवा रहे थे और बाज़ार में भी देखो कितनी भीड़ है। कल भी घरों में भी ऐसे ही तैयारियाँ हो रही हैं, घर पे पूजा होगी अच्छे से तो शाम को व्रत खुलेगा चांद को देखकर। या आई हैव एक्साइटमेंट, एक्चुअली माय हस्बैंड इज़ नॉट हियर सो आई विल बी लिटिल मिसिंग, बट या आई विल बी रेडी एंड डू वॉट एवर द थिंग्स, वॉट एवर द रिचुअल्स इज देयर, सो आई विल बी डूइंग। That's why I'm doing, like I'm making this mehndi and all this scenario. I'll purchase my dress as well. Yeah. So these are the things, whatever the rituals, I'll check with my neighbors and then we'll do all the rituals, whatever perform in the Karwa Chauth. But yeah, it's a very good and religious festival for all of the married women basically. Happy Karwa Chauth to everyone. We are really excited. This is the one festival wherein we wait for the entire year. This is basically for our husbands, for their long life. So we are very pretty excited to celebrate. Mehndi is the main catch basically. We normally wait for the mehndi to happen. It has to have nice color basically, and we are eagerly waiting. So happy Karwa Chauth to everyone again, and in advance happy Diwali. मार्केट में एक जोड़ा भी मिला जो बहुत ज़्यादा उत्साहित करवा चौथ को लेकर नजर आया, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। तो करवा चौथ का मौका है, हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत कपल मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि इनके लिए ये करवा चौथ कैसे खास है। हेलो आप दोनों को। सो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आपके लिए करवा चौथ क्यों इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए करवा चौथ इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ही इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट आई हैव गॉट, सो I got a chance to cherish that thing and मैं बहुत अच्छे से पूरा fast in clear रखना चाहती हूँ ताकि he prospers in life and he goes to heights and reaches heights wherever he wants to go. That's really great. आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके लिए क्यों खास है? मेरे खास इसलिए है because ये एक बहुत हमारी importance हमें पता चलती है पहली बात तो,
और हमें पता चलता है कि उसके इट्स टाइम टू गिव बैक एज वेल, यू नो, कि हमारा भी कुछ फर्ज बनता है. अगर हमारी वाइफ इतना हमारे लिए करती है तो हम भी गिविंग बैक टू हिम. इट्स टू वे थिंग, या व्हाट ही डज फॉर मी. सो आई इट्स नॉट दैट जस्ट वन डे, बट या इट्स अ स्पेशल डे टू गिव बैक एवरीथिंग ही डज फॉर मी. सो क्या आप भी फास्ट रख रहे हैं इस बार इनके लिए? मैं फास्ट तो इस बार नहीं रख पा रहा हूँ, बट हाँ आई ट्राई टू सपोर्ट हर इन एवरी विच वे. मैं पूरा दिन एंटरटेन रखूंगा इनको कि ये खाने की क्रेविंग्स ना हो. दैट्स व्हाट आई कैन डू. सो वी विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी करवा चौथ. थैंक यू सो मच. तो व्यूअर्स, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि इतने प्यारे से कपल्स हैं. आशा है कि इनसे आपको भी इंस्पिरेशन मिले कि आप भी अपनी वाइफ्स को, अपने हस्बैंड्स को और भी ज़्यादा प्यार करें और भी ज़्यादा चेरिश करें इस करवा चौथ. देख रहे हैं अट्टा मार्केट में इस समय मैं मौजूद हूँ. यहाँ पर मेरे हाथों में आप देख पा रहे हैं करवा चौथ के पूजन की विशेष थाली, यही होती है. इसी का इस्तेमाल करके सुहागिन महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं. यहाँ पर और भी चीज़ें आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, किस तरह से पूरा मार्केट सजा हुआ है, किस तरह से लोगों में उत्साह यहाँ पर बना हुआ है. इसके साथ ही यहाँ पर इस तरह के बहुत छोटे छोटे से स्टॉल्स भी लगे हुए हैं. आइए आपको दिखाते हैं. हर उम्र की महिलाएं करवा चौथ को लेकर उत्साहित नजर आईं और मेहंदी लगाते हुए बढ़ चढ़कर आगे बढ़ती हुई नजर आई. इसके साथ ही अपने पति के लिए व्रत रखने का उत्साह हर महिला में, हर वर्ग में देखने को मिला. अभी तक तो अप्रोक्सीमेटली ये मेरा 7 या 8 हाथ होगा और रश जो है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है करवा चौथ के ऊपर. जैसा कि मतलब हमारा जो ट्रेडिशनल फास्ट है ये आज के दिन सारी लेडीज़ जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं और इनके साथ साथ हम लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि पार्ट टाइम हमारे लिए वर्क भी हो जाता है और फिर मेहंदी वेहंदी लगाने का हमारे अंदर जो क्रेज़ रहता है, अपना टैलेंट भी दिखाने का एक मौका मिल जाता है. अट्टा मार्केट में हम मौजूद हैं और महिलाओं में करवा चौथ को लेकर उत्साह निरंतर बना हुआ है. आप देख रहे हैं हमारे साथ नीलम जी मौजूद हैं, मेहंदी लगवा रही हैं. आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं करवा चौथ उनके लिए कितना महत्व रखता है. नीलम जी नमस्कार. नीलम जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप कितने टाइम से रख रहे हैं व्रत? मुझे मैम 14 इयर्स हो गया रखते हुए. हाँ जी. तो क्यों रखा जाता है करवा चौथ का व्रत? जैसा कि हमने सुना है हमारे बड़े पूर्वज रखते थे कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए, तो वो हम भी रख रहे हैं अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए. जी, और आप और आगे वाली आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग अब व्रत नहीं रखते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अब देखिए, किसी की सोच के ऊपर तो कोई निर्भर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अब जैसा हम कर रहे हैं तो होता है हमारे बच्चे भी करें उस चीज़ को देखकर. तो ये थी नीलम जी, जिन्होंने अपने बारे में बताया कि क्या महत्व है इनके लिए करवा चौथ का. तो देखा आपने बाजार कितना खूबसूरत सजा हुआ है, महिलाएं अपने पति के लिए मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही हैं, सभी कितनी ज़्यादा उत्साहित हैं. लेकिन ये उत्साह अभी और भी बढ़ने वाला है क्योंकि अब समय आ गया है जिसका आप सभी को इंतज़ार था, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. जी हाँ, अब हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे पास आए हुए आपके हस्बैंड्स के आपके लिए प्यारे प्यारे मैसेजेस. तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो के साथ. पहली वीडियो हमें भेजी है विकास जी ने. नमस्कार, मेरा नाम विकास शर्मा है. मैं एक मैसेज देना चाहता हूं अपनी पत्नी के लिए जिसका नाम है निकिता. ये मैसेज है मेरी वाइफ के लिए जो इतने सालों से मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती आई है. पूरे दिन भूखे प्यासी रहती है और इतने टाइम से मेरा ख्याल रखती है, मेरे घर वालों का इतना ख्याल रखती है, तो उसको मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ. तो निकिता, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शायद इतने सालों से मैंने तुम्हें आज तक कभी एक फूल भी नहीं दिया होगा, कभी मतलब मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं होगा कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन आज तक आप इतनी अपनी जिम्मेदारी मतलब निभाती आई हो. किस तरीके से मेरे पूरे परिवार पे, पूरे परिवार के लिए तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, तो उसके लिए मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. अगली वीडियो हमें भेजी है सुबोध जी ने. मैं गाजियाबाद से हूँ सुबोध कुमार,
और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हर साल मेरी पत्नी नीतू मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और आज भी रखेगी। और जो भी मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि आज के दिन करवा चौथ के दिन अपने पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके लिए आज व्रत रख रही हैं, जिससे कि आपकी जोड़ी हमेशा के लिए बनी रहे, सलामत रहे। अब देखेंगे अगली वीडियो। डियर अन्नू, हमारी शादी को 10 साल से ऊपर हो गए और इस करवा चौथ के मौके पर तुम्हारे बारे में 2 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरी लाइफ में आने के लिए तुम्हारा दिल से थैंक यू और धन्यवाद। हर करवा चौथ पे इतने कठिन व्रत रखे और मेरी परेशानियों को अपनी परेशानी बनाए, मेरे साथ हर मुश्किल के में हमेशा खड़ी रही, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार को हमेशा तुमने संभाला, हमेशा उनको सपोर्ट किया, यहाँ तक कि मेरा काम भी छूट गया और फिर तुमने मेरा घर भी संभाला। और हर करवा चौथ पे व्रत रख के मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं की, मैं कितना भी करूं तुम्हारे लिए पर वो कम ही होगा। अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और हमेशा तुम्हें खुश करने की, खुश रखने की कोशिश करूंगा। और इस करवा चौथ में तुम्हारे सम्मान में मैं भी सोच रहा हूं कि एक करवा चौथ का व्रत मैं भी तुम्हारे लिए रखूँ। तुम्हारे प्यार और तुम्हारे सम्मान के लिए एक बार फिर से दिल से थैंक यू और धन्यवाद। दिखाते हैं आपको एक और प्यारी सी वीडियो। दुनिया में सबसे कठिन काम है अपनी पत्नी के बारे में बताना। अगर आपने ज़्यादा बोल दिया तो भी आपकी श्यामत, और आपने अगर उसकी तारीफ में थोड़ी सी कमी कर दी तब भी आपकी श्यामत, पर जहाँ शब्दों की सीमाएं खत्म हो जाती है वहाँ से शुरू होता है हमारा प्रेम, और इस प्रेम की डोर में बंधा है हमारा छोटा सा परिवार, और इस परिवार को बांधे रखने के लिए तुम सुबह से रात तक बहुत मेहनत करते हो। ये तो कहा गया कि शुक्रिया कहना है, पर मैं किन किन चीज़ों के लिए तुमसे शुक्रिया कहूँ? जब तुम हमारे बेटे को अच्छा इंसान बनाने के लिए डांटती हो उसके लिए शुक्रिया कहूँ, या हम सबको तकलीफ से निकालने के लिए जब तुम पूरी पूरी रात जागती हो उसके लिए शुक्रिया। मुझे याद है जब तुम 103 बुखार में मेरे सिरहाने बैठकर पूरी रात पट्टियाँ बदलती रही, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया शब्द, मैंने कहा ना कि शब्द ही कम पड़ जाते हैं, तो शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और इसे इतना खूबसूरत बनाने के लिए। आइए अब देखते हैं अगली वीडियो। हेलो दर्शकों, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपनी वाइफ के लिए एक छोटा सा मैसेज छोड़ना चाहता हूँ। आज हमारा पहला करवा चौथ है और मेरी वाइफ ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा, इसके लिए मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस जन्म में तुम मुझे मिली हो, अगले 7 जन्म तुम ही मुझे मिले हो। तुमने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया और आगे भी करते रहना, धन्यवाद। अब देखते हैं ये हस्बैंड अपनी वाइफ से क्या कह रहे हैं। हाय सीमा, मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो और रख रही हो, और इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो तुम मेरे जीवन में आए और मुझे इतना अच्छा इंसान समझा और बनाया, उसके लिए भी धन्यवाद। और भगवान से मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम मुझे मेरे साथ ज़िंदगी में रहो, 7 जन्म रहो। अब जानते हैं कि ये हस्बैंड क्या कुछ कहना चाहते हैं। हाय संगीता, ये हमारा शादी का पहला करवा चौथ है और मैं ये चाहता हूँ ये करवा चौथ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब से मेरे लाइफ में आए हो बहुत चीज़ मेरा चेंज हो चुका है, और ऐसे करते रहना, और मैं चाहता हूँ ये करवा चौथ बहुत अच्छा हो और मेरे लिए व्रत रखो और आगे पूरी ज़िंदगी भर ऐसे ही मेरा साथ निभाते रहो। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कोशिश हमारी आपके त्यौहार को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा खास बनाने की। आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपके और आपकी पत्नियों के बीच में प्यार और भी ज़्यादा गहरा हुआ होगा। इसी के साथ आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने साधना को इतना प्यार दिया और साधना पर अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखे। इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर मिलेंगे आपसे किसी और कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।